भारत में कांग्रेस हिंदू बिजनेसमैनों को कैसे टारगेट कर रहा है। अंबानी अंडानी तो इनके मुंह पे रहे हैं क्योंकि वे हिंदू हैं, और भी बिजनेसमैन हैं पर उनका नाम नहीं लेगी। इनके साले इनके खुद के दामाद विदेशी हैं पर उन विदेशी उनका नाम नहीं लेगी, उनको बदनाम नहीं करेगी। पर ये हिंदू जो अंडानी अंबानी है इनको ही बदनाम करेगी, और हिंदू समाज क्या कर रहा है, इनको बदनाम करवा रहा है। कांग्रेस की साजिश नहीं समझ रहा कि वे अंबानी अंडानी का ही नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वे बिजनेसमैन है, और भी बिजनेसमैन है, मुस्लिम बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है भारत में, उनको टारगेट नहीं करेगी, ईसाइयों को टारगेट नहीं करेगी, सिर्फ अंडानी अंबानी, क्योंकि वे दोनों बिजनेसमैन हिंदू हैं, वे अपने हिंदू धर्म को सपोर्ट करें, इसलिए उनको टारगेट नहीं करेगी। पर हिंदू युवा इसे समझने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस ने हर वो कदम उठाए हैं जो हिंदू को भारत में दबाया जा सके। हिंदू कोड बिल, ऐसे ऐसे बिल लाई है जो भारत हिंदुओं में पनप ही नहीं पा, मैं हिंदुओं के दिमाग में बैठा दिया हम दो हमारे दो, और मुस्लिमों को पूरी सपोर्ट दी, भैया तुम चार शादी करो और बच्चे खूब दबा के पैदा करो। आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, यो क्या बात हुई, हिंदुओं के दिमाग में बैठा दिया हम दो हमारे दो। जो हिंदू अमीर हैं वे भी दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वे ज्ञान क्या पेल रहे हैं, भाई इतनी महंगाई है, अबे महंगाई बहन चो महंगाई किस नाम की है, तुम्हारे साले जो अमीर अमीर हैं ईसाई मुस्लिम वे भी अपनी आबादी बढ़ाने के लिए खूब दबा के बच्चे पैदा कर रहे हैं, कम से कम चार पांच तो नॉर्मल है होम ही है, और तुम भाई आबादी है महंगाई है महंगाई तुम्हारे दिमाग में बैठाई गई है, कोई महंगाई महंगाई नहीं है।